हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शेफाली अग्रवाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इसको हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? क्या तुम अपने आंसर से सरप्राइज हो? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। आप अपने टीचर और क्लासमेट से डिस्कस करो, आंसर का कोई सेंस बनता है क्या। तो चलो इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये है 0.9999, ठीक है। इसको हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में करना है। जैसे हमने कल क्वेश्चन नंबर 3 किया था, उसके तीनों पार्ट किए थे हमने, वैसे ही इसको करना है। लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0.99999। ओके, फिर इसको हम मैं 10 से इंटू करूँगी, 10x हो जाएगा ये। और ये एक पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये आगे बढ़ जाएगा, तो ये हो गया 9.9999, ठीक है। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन और ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। तो अब मैं इक्वेशन को माइनस करूँगी फर्स्ट इक्वेशन से। तो ये हो गया 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9.9999 माइनस 0.9999, ठीक है। तो ये हो गया 9x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 0, ऑफकोर्स 9, एक्स इज इक्वल्स टू 9/9। तो ये हो गया 1, एक्स हो गया 1, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया था। ओके, अब ये x1 का मतलब क्या हुआ, 1/1। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, या तो 1 1 1 कर सकते हैं हम, तो 0 ख़त्म। और अब हमारा आंसर यही आना चाहिए 0.999। इसको जब हम करेंगे तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम, 1 1, ठीक है। पॉइंट लगा के हमने 0 लगाया, तो ये हो गया, हम 9 करेंगे, 1 9 9, फिर से 1 उतरा, फिर से 9 लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 9, फिर से 1 उतरा, तो ये चलता रहेगा। तो आप खुद ही बताओ इसका कोई सेंस बनता है क्या। इसीलिए क्वेश्चन में भी पूछा गया है, क्या आप अपने टीचर्स और क्लासमेट्स से डिस्कस करो, क्या इसका कोई सेंस बनता है। आपको सॉल्व ऐसे ही करना है ये क्वेश्चन, लेकिन पूछा गया है ऐसा, तो इसका वैसे कोई सेंस बनता नहीं है। तो ये आंसर यहीं ख़त्म होता है। आपको पता चल गया इसका सेंस बनता है या नहीं बनता है, सेंस नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटेटिव ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं डिवीजन मेथड से करके 1/17 के, और आंसर चेक कर लेना है हमें अपना डिवीजन मेथड से, हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हमें निकालना है 1/17 के। तो चलो डिवाइड करते हैं, 17 को 1 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पे 0 लगाया, अभी बात नहीं बनी, तो एक और 0 लगाएंगे, तो एक और 0 हमने लगा लिया, तो ये हो गया 5 ज़ा 85। तो नीचे उतरा 15, अब हम एक और 0 लगा सकते हैं, हमने लगा लिया, तो अब हो गया 8 ज़ा 136, ठीक है, 136। नीचे बचा 14 बचा, तो हम एक 0 लगा सकते हैं, तो हमने 0 लगाया, तो 8 ज़ा 136 आ गया दोबारा। तो ये नीचे उतरा 4, अब हम एक और 0 लगा सकते हैं, तो ये हो गया 40। अब ये जाएगा 2 से 34, नीचे क्या उतरा 6, अब हम एक 0 लगा सकते हैं, तो ये हो गया 3 ज़ा 51। तो नीचे क्या उतरा 9, अब हम एक पॉइंट लग रहा है, हम एक 0 लगा सकते हैं, तो अब ये जाएगा हमारा 5 से 5 ज़ा 85। तो नीचे क्या उतरा 5, अब हम एक और 0 लगा सकते हैं, तो अब ये जाएगा हमारा 2 से 2 से हमारा गया, तो ये हो गया
34, तो ये बचा हमारा 16, एक ज़ीरो हम लगा सकते हैं, तो अब जाएगा हमारा 9 से 153, ठीक है। अब क्या बचा 153, अब क्या बचा हमारा 7, अब हम एक और ज़ीरो लगा सकते हैं, तो ये अब गया हमारा 4 से, ठीक है, 4 से गया, तो कितने से जाएगा 4 से 68, तो ये बचा हमारा 2, फिर से हम पॉइंट लग रहा है, हम ज़ीरो लगा सकते हैं, तो ये गया हमारा 1 से 17, क्या उतरा हमें यहाँ पे करूँगी, आगे यहाँ पे करूँगी जिससे आपको दिखाई दे, तो ये बचा 3, एक ज़ीरो लगा सकते हैं हम, तो ये हो गया 30 हुआ, तो ये अब दोबारा हम 1 से कर सकते हैं 17, तो फिर से क्या बचा 13, ठीक है 13 बच गया, एक ज़ीरो लगा सकते हैं हम, तो ये कितना हो गया, ये जाएगा हमारा 7 से 119, तो ये बचा 11, एक ज़ीरो लगा सकते हैं, तो अब ये कितने से जाएगा 6 से, 6 से जाएगा हमारा, ये जाएगा 102, अब 8 बच गया, एक ज़ीरो लगा सकते हैं हम, तो अब कितने से जाएगा 4 से 17, 4 ज़ा 68, तो ये कितना बचा 12, अब एक ज़ीरो लगा सकते हैं हम, अब कितने से जाएगा 7 से, तो ये गया 119 अपॉन, अब ये बचा 1, अब देखो यहाँ पर भी ऊपर 1 था और अब यहाँ पर भी 1 बचा है, तो इसका मतलब अब ये दोबारा डिजिट्स रिपीट होंगी, मतलब ये दोबारा डिजिट्स रिपीट होएंगी, तो ये हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स निकल गया। क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी है, तो अब ये मैक्सिमम नंबर डिजिट्स निकल गई, और आप इसके ऊपर बार भी लगा सकते हो कि अब ये ही चलता रहेगा रिपीट में। अब इसके आगे भी हम ज़ीरो लगा देंगे, तो दोबारा हमें एक ज़ीरो लगा के फिर इसे कंटिन्यू करना होगा, तो मतलब ये डिजिट और ज़ीरो हो गया। तो इसका आंसर मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ कितना आ रहा है, 0.58825294117647, ठीक है। आप भी एक बार अच्छे से डिवाइड करके चेक कर लेना, आपका यही आना चाहिए, और ऊपर बार लगा दो, ठीक है, आपका यही आना चाहिए। थोड़ा सा मुश्किल था डिवाइड करना, बहुत टाइम लग जाएगा, सो ये आप देख लो, अच्छे से कर लेना ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं। लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेशंस, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। हमें पी एंड क्यू के फॉर्म में हमें ये बताना है कि पी एंड क्यू के फॉर्म आर इंटीजर्स हैं विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, और ये टर्मिनेटिंग भी है, तो हमें क्यू की प्रॉपर्टी को गेस करना है, हमें उसे सेटिस्फाई करना है क्यू की प्रॉपर्टी को। तो मैं आपको समझाती हूँ इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन समझाती हूँ। पी अपॉन क्यू दे रखा है, हमें करना है, तो और ये टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग मैंने आपको बताया था कि जो पी एन क्यू की वैल्यू डिवाइड करके ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए, कोई रिमाइंडर ना बचे, ज़ीरो हो जाए, तो उसे कहेंगे हम टर्मिनेटिंग, ठीक है। और अब हमें क्यू की इक्वेशन को सेटिस्फाई प्रॉपर्टी बतानी है उसकी, कि वो टर्मिनेटिंग ही आए, तो टर्मिनेटिंग होने के लिए या तो उसे 2 होना होगा, कि 2 क्या 2 इंटू कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो 2 होना चाहिए, या फिर हमारा क्यू की वैल्यू हो सकती है 5 इंटू 5 इंटू 5, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 होना चाहिए, या फिर ये दोनों ही हो सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ऐसे ये दोनों ही हो सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये 2 इंटू 5 हो m और n की फॉर्म में, ठीक है, तभी ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके इन दोनों के अलावा कोई और नंबर होता है तो वो इरेशनल हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है।
नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा वो, तो ये तो टर्मिनेटिंग तभी होगा जब या तो टू होगा या फिर फाइव की फॉर्म में होगा, ठीक है, तो तभी टू होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं द प्राइम फैक्टोरियलाइजेशन ऑफ क्यू हैज ओनली टू पावर्स, has only power of 2 and power of 5 or both, या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या फिर both होने चाहिए तभी ये terminating कहलाएगा। ठीक है, आपको समझ आ गया ये question? ये तीनों ही question बहुत ही ज़्यादा अलग थे, ये अलग था क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल अलग था, क्वेश्चन नंबर 6 अलग था, तो आपको ये तीनों समझ आ गए होंगे। सो या आगे के जो बचे हुए 7, 8, 9 क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो या आपने अभी तक 1.1 और 1.2 नहीं करी है तो जाकर मेरी वीडियो चेक कर लो, मैं प्लेलिस्ट स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, उसमें भी मैं कहीं कहीं बहुत सारी वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। तो या आप जल्दी से जल्दी उस पर भी फॉलो कर लो मुझे। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।